आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल मुंह में घुल जाने वाली पालक पनीर की रेसिपी, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। आज के वीडियो में मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया है, तो एक बार आप इस सब्जी को मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ये आपकी फेवरेट हो जाएगी और घर में सभी को पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम पानी गर्म करेंगे और उसमें पालक को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर एक गट्ठल पालक को हमने अच्छे से धो के बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसे ढक करके हम 5 से 10 मिनट के लिए बढ़िया से उबाल लेंगे और जब तक पालक हमारे तैयार हो रहे हैं तब तक हम काजू टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ग्राइंडर जार में हम 2 टमाटर काट के ले लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है इसे भी ले लेंगे, 5-6 हमने लहसुन ले लिए छील के इसे भी ले लेंगे, 2 हरी मिर्च को हमने काट के ले लिया है इसे भी ले लेंगे, और यहाँ पर हमने 7 से 8 काजू लिए हैं इसे भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। काजू से हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया तैयार होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब चेक करेंगे तो यहाँ पर पालक भी हमारे जो है बढ़िया से उबल चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इनका भी कलर है। तो ग्राइंडर जार में हम डायरेक्ट पालक को डाल देंगे, हमें इसे किसी भी तरह से ठंडे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। पालक के साथ इसमें हम 3-4 बर्फ के टुकड़े भी डालेंगे और थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती भी लेंगे, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमारी पालक की प्यूरी तैयार हो चुकी है। पालक के साथ बर्फ को ऐड करने से उसका कलर बिल्कुल हरा रहता है, अलग से हमें उसे ठंडे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पालक पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है, तो सबसे पहले इसमें हम 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा चटक गया है तो इसमें हम 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इसे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं तो अब हमने जो काजू टमाटर का पेस्ट तैयार किया था उसे ऐड कर देंगे और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे खड़े मसालों के साथ। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम यहाँ पर हल्दी पाउडर लेंगे, 1 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ले लिया है, और 1/2 चम्मच के करीब हम लेंगे गरम मसाला पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पालक पनीर का। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके हम मसालों को भी भून लेंगे बढ़िया से, और मसालों को भूनने के बाद हम इसे 4-5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि जो इसमें ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो 4-5 मिनट हो गए हैं, चेक करेंगे तो मसाले बढ़िया से भून गए हैं, ऊपर ऑयल भी जो है आ गया है सरफेस में, तो इसे एक बार हम और मिक्स कर देंगे ताकि कुछ भी जले नहीं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी पालक की प्यूरी जो हमने तैयार करी थी। आप देख सकते हैं बर्फ़ के टुकड़ों की वजह से इसका कलर कितना बढ़िया हरा है, हमें इसे अलग से ठंडे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ा सा पानी हम ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और जो भी पालक लगा हुआ है वो सारा ही हम निकाल लेंगे, मिक्स कर देंगे इसे भी हम बढ़िया से मसालों के साथ। तो पालक की प्यूरी हमारी बढ़िया से मिक्स हो गई है, तो अब हम इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 4-5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं तो पालक की प्यूरी हमारी जो है वो पक के तैयार हो चुकी है। एक बार इसे हम मिक्स कर देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध की मलाई। यहाँ पर हमने 2-3 बड़े चम्मच दूध की मलाई ली है, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो दूध की मलाई है वो आसानी से घर पे मिल जाती है। तो मलाई को हमने बढ़िया से मिक्स कर दिया है अपने पालक के साथ, इसे भी हम ढक के 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए और सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। यहाँ पर हमने 300 ग्राम पनीर ले लिया है, पनीर को भी ऐड कर देंगे और इसे बढ़िया से हम पालक के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये पालक पनीर की रेसिपी आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बनाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। तो वापस से हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि जो पनीर है उसमें भी अच्छे से सारे फ्लेवर चले जाएं। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बटर, यहाँ पर 1 चम्मच हमने बटर ले लिया है। बटर से जो है सब्जी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया निकल के आता है, बिल्कुल रिच ग्रेवी बन के तैयार होती है।
तो बटर के साथ हमने इसमें काजू और दूध की मलाई का भी यूज़ किया है, जिससे पालक पनीर बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। पालक का कच्चापन नहीं आता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबे जैसी रेसिपी बनती है। तो एक बार आप मेरे तरीके से इस पालक पनीर को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।